Assalamualaikum and welcome back to my brand new video. कैसे हैं जी आप सब? I hope कि आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक. जी आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं टी केक. मजेदार सा टी केक घर में हम तैयार कर रहे हैं. अच्छा पहले मैं आपको इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर हम साथ साथ बातें करते हैं. मैंने एक कप लिया है जी मैदा, और 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा. इन 3 चीज़ों को मैंने छलनी में डाल लिया है और इनको मैं अब छान रही हूँ. ठीक है, 1 कप मैदा है सिर्फ, क्योंकि मैंने छोटा सा टी केक बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना मुझे. तो ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है. 3 चीज़ें हैं जी जो हमने छानी है अभी. ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया है कम्प्लीट. अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ. जी सेकेंड स्टेप में हमने ले लिया है अपना ब्लेंडर जग, और हमने ले लिया है 2 अंडे. दोनों अंडे हम इसमें डाल देंगे. 2 अंडे हमने ऐड कर लिए, और 1/2 कप शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. अच्छा, 1/2 कप शुगर डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल का ऐड किया है, और फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ. अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है आप चॉकलेट एसेंस डाल लें, वनीला एसेंस है तो वनीला एसेंस डाल लें. मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है. इसका ये फ़ायदा होता है ना कि इसमें फिर वो अंडों की स्मेल नहीं आती है जब हम इसमें वनीला एसेंस इसमें ऐड करते हैं. तो अब जी हमने इस ब्लेंडर जग को चला दिया है, और इसमें 4 चीज़ें हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. 2 अंडे हैं, 1/2 कप इसमें हमने शुगर ऐड किया था, 1/2 कप हमने ऑयल डाला था, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें वनीला एसेंस डाला था. ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई हैं हमारे सेकंड स्टेप में. और फर्स्ट स्टेप में हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमने छान के रखी हुई हैं, जिनमें मैदा है और बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है. अब हम ये थोड़ी थोड़ी करके जो हमारा बेकिंग पाउडर वगैरह है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे. जी पहले हमने ये 1/2 इसमें मैदा डाला है, और इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे. ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप दूध भी रखा हुआ है, और दूध भी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे. पहले हम ये मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लें. ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से. अच्छा, ये बिल्कुल ना सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाला टी केक है. कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको मार्केट से लानी पड़ेगी. मोस्टली वही चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं. अब देखिए, ऑयल है, चीनी है, मैदा है, या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह, ये हर घर में मौजूद होती हैं चीज़ें. तो आपका जब भी मूड हो मेरी तरह, तो आप ये सारी चीज़ें निकालें, और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए. अगर जो हमने एग्स यूज़ किए हैं ये भी रूम टेम्परेचर पर, अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं ना अंडे, तो उनको आप आधा घंटा बाहर निकाल के रख दें. रूम टेम्परेचर पे जब वो हो जाए तो फिर उनको यूज़ करें. ठीक है, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए जब भी आप कोई भी बेकिंग करते हैं. तो ठीक है, ये बेकिंग की फर्स्ट टिप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, ये आपने याद रखनी है. अब हम इसमें ये 1/4 कप मिल्क है ये हम ऐड करेंगे. 1 कप नहीं है, ठीक है, 1/4 कप इसमें मिल्क हम ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे. थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड कर रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकें इसको. साइडों से भी उतार लेते हैं ना, ताकि जाया ना हो. जाया नहीं करनी चाहिए ना कोई चीज. आपने भी ये झटपट बनने वाला केक घर में ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे बताना है कि कैसा बना है. जी ये मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है सारा, थोड़ा थोड़ा करके.
अच्छा, अब हमने इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको हम बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो ये देखें कितने मज़े का बैटर बन गया। ये देखें इतना ये थिक होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाना है हमने अपने थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने ले लेना चाहिए एक देचका। हम कोई ओवन वगैरह में बेक नहीं कर रहे हैं अपना ये केक, हम अपने पतीले में देचके में बना रहे हैं। हमने देचका लिया है और एक स्टैंड ले लिया है, स्टैंड हमने रख दिया है देचके के अंदर, और हमने जो चूल्हा है वो ऑन कर दिया है। तो हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इस देचके को हमने प्री हीट करना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके घर में कोई प्लेट वगैरह है तो आप वो प्लेट वगैरह उल्टी करके रख सकते हैं, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो स्टैंड रख दिया हमने, और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम करके छोड़ दिया, ठीक है, ताकि हमारा जो देचका है वो प्री हीट हो जाए अच्छी तरह से। अब जी यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है और बटर पेपर को मैं काट रही हूँ। जी ये ले लिया मैंने एक टी केक का जो भी होता है, अब इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, हमने इसको ग्रीस करना है अच्छी तरह से, फिर हमने उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया, फिर बटर पेपर को भी हमने दोबारा से ग्रीस किया, ठीक है। ग्रीस करने से ये होगा कि हमारा जो केक है वो चिपकेगा नहीं साथ, जब हम उसको निकालेंगे तो फ़ौरन निकल आएगा। ग्रीस करने का ये फ़ायदा होगा, बटर पेपर का भी यही फ़ायदा है। तो हमने अपने इस पॉट को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, और अब हमने जो सारा बैटर था वो हमने सारा डाल दिया जी इसके अंदर। पंद्रह मिनट पहले हमने इसको प्री हीट किया है देचके को, और अब हमने 20 मिनट के लिए रख दिया है अपने इस बैटर को। आफ्टर 20 मिनट्स हमने ये खोल के चेक कर लिया है, और ये देखें जी हमारा ये केक तैयार हो चुका है। और अब हमने इसको चेक करना है कि ये अंदर से क्या बेक हुआ है अच्छी तरह से क्या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने एक टूथपिक लेनी है, और टूथपिक को हमने डालना है और चेक करना है। अगर तो ये टूथपिक बिल्कुल साफ़ रहेगी तो इट्स मीन कि ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है। और जी हमारा ये टी केक बिल्कुल रेडी है अब। जी अब हम इसको निकालेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे और फिर हम इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे। जी अब हम इसको कट करेंगे। जी तो टी केक हमारा तैयार है, और होप सो कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।